Assalamu alaikum students and welcome back to our science class. We are doing chapter number 8 and that is energy. The topics we will cover today are going to be renewable and non-renewable energy sources. And the next topic is renewable resources. So let's start our lecture. अच्छा जी, our first topic is renewable and non-renewable energy sources. अब energy जो हम use कर रहे हैं तो जाहिर है उसके कोई ना कोई ज़राए तो होंगे, कोई ना कोई sources तो होंगे, तो उन्हीं sources को दो parts में divide कर दिया गया है, एक renewable है दूसरा non-renewable है. Among the sources that produce energy, some are renewable while others are non-renewable. मतलब इसका आप ये भी ले सकते हैं कि जो सोर्सेज हम जिससे एनर्जी प्रोड्यूस करें कुछ रिन्यूएबल है, यानी कि हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं और वो ख़त्म नहीं होता है, जबकि कुछ जो है वो ऐसे होते हैं कि नॉन रिन्यूएबल है. अगर हमने उसको एक दफ़ा यूज़ कर लिया तो बस जो चीज़ हमने जो हमने यूज़ कर लिया, जैसे हमने एनर्जी प्रोड्यूस कर ली दूसरी, तो वो बस यूज़ हो गया, अब हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. सबसे पहले हम रिन्यूएबल देखते हैं. तो रिन्यूएबल एनर्जी में देखें, आपके पास सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, जियोथर्मल है, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये सारी की सारी जो एनर्जीज हैं ये रिन्यूएबल है, यानी कि हम इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं और ये रन आउट नहीं होती, ख़त्म नहीं होती हैं. जियोथर्मल एनर्जी हमेशा से है, विंड एनर्जी हमेशा से है, हाइड्रो पावर एनर्जी जो हमने डैम्स के जरिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं तो वो भी ख़त्म होने वाली नहीं है. हम इवन अगर वो जो पानी है दोबारा से अगर हम उसको हाइट पर ले जाएँ तो फिर भी हम उसको दोबारा भी कर सकते हैं. सो ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं. नॉन रिन्यूएबल में क्या है? कोल है, नेचुरल गैस है, फॉसिल फ्यूल है, न्यूक्लियर एनर्जी है. तो ये नॉन रिन्यूएबल इसलिए है कि एक तो हम अगर इसको एक दफ़ा हमने यूज़ कर लिया तो कर लिया, बस वो ख़त्म हो गया, उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. कोयला अगर आपके पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो जो थैले दो बैग्स हैं वो क्या है, वो कोयले के पड़े हुए हैं, आपने एक बैग यूज़ कर लिया कोयले का, उससे आपने हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर लिया, आपने बारबेक्यू कर लिया, वो यूज़ हो गया, उस कोयले को आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ख़त्म हो गया है. दूसरी दफ़ा बारबेक्यू करना था तो दूसरा भी जो बैग था वो भी आपने यूज़ कर लिया, तो दोनों बैग ख़त्म हो गए. जो एनर्जी रिसोर्स थी हमारे पास जिससे हम बारबेक्यू कर रहे थे या जिससे हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, वो सोर्स जो है वो ख़त्म हो गई है, वो रन आउट हो गई है. सो इसी तरह से नॉन रिन्यूएबल में वो एनर्जी रिसोर्स होते हैं जो कि रन आउट हो जाते हैं, जो कि ख़त्म भी हो जाते हैं और हम उसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते. एक दफ़ा यूज़ कर लिया तो कर लिया बस. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब हमने इस टॉपिक में सिर्फ वो रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है जो रिन्यूएबल हैं. रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कैन नॉट रन आउट. सबसे पहले तो रन आउट का मतलब होता है ख़त्म होना, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होते, कभी रन आउट नहीं होंगे, हम उसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ नेचुरल. दे कैन बी यूज फॉर एवर, और इसको हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं, पूरी ज़िंदगी यूज़ कर सकते हैं. दे आर क्लीन एज दे डू नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन, और ये बिल्कुल साफ़ होते हैं क्योंकि ये कोई पोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते. देयर ओनली डिसएडवांटेज इज़ दैट दे आर नॉट कंसनट्रेटेड सोर्स एंड कैन ओनली बी यूज इन सर्टन प्लेसेज वी आर द कंडीशन आर सुटेबल. सिर्फ एक डिसएडवांटेज इसका ये है कि एक तो ये कंसनट्रेटेड सोर्स नहीं है और दूसरा ये कि इसको हम सिर्फ ख़ास जगहों पे यूज़ कर सकते हैं या ख़ास कंडीशंस में सुटेबल प्लेसेस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ये दो जो हैं ये इसके क्या हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं या साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं कह सकते, डिसएडवांटेजेस हैं. देखते हैं कि कैसे. आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. सन, विंड, वेव्स एंड हीट ऑफ अर्थ. अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये है तो कभी रन आउट नहीं होंगे, लेकिन इसको ख़ास कंडीशंस और सुटेबल प्लेसेस पे हम यूज़ कर सकते हैं. सन को तो हम खैर हर जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विंड जो है वो सिर्फ उन इलाकों में विंड के ज़रिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कोई और एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर वहाँ पर विंड जो है वो तेज़ हवा जो है वो तेज़ चल रही हो या ज़्यादा हवा हो. वेव्स की जो एनर्जी होती है जो समंदर की या जो वो दरिया होते हैं उसकी जो लहरों में जो एनर्जी होती है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सो वो वेव्स जो हैं, अब जाहिर सी बात है अगर एक मैदानी इलाका है तो वहाँ पे तो वेव्स नहीं है, तो वहाँ पे फिर वेव से हम एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना. तो इसलिए ये ख़ास जगहों पे जहाँ पे कंडीशंस जो हैं वो सुटेबल होती हैं वहीं पे हम इन एनर्जी को क्या कर सकते हैं, वो हमें मिल सकती हैं. हीट ऑफ अर्थ जो है, जो ये जो
वॉलकैनो वगैरह होता है, या जो जहाँ पे ज़मीन की जो हीट या तपिश होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो भी सिर्फ पहाड़ी इलाकों में हो सकते हैं जहाँ पे वॉलकैनोज ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे पहाड़ ही नहीं है, वॉलकैनोज ही नहीं है, तो वहाँ पे हीट ऑफ अर्थ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे देख लेते हैं, आप कुछ रिसोर्सेज को हम वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले है एनर्जी फ्रॉम द सन। अब हम जो सोलर एनर्जी है, सन से जो एनर्जीज हम यूज़ करते हैं वो देखेंगे कैसे कैसे करते हैं। द सन प्रोवाइड अस विद एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। जो सन है वो हमें एनॉर्मस यानी कि काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। कौन सी फॉर्म में? लाइट और हीट की फॉर्म में हमें एनर्जी वो प्रोवाइड करता है। इफ़ वी कैन कंट्रोल एंड यूटिलाइज ऑल द अमाउंट इफ़ वी कैन कंट्रोल एंड यूटिलाइज ऑल द अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन अर्थ इन वन आवर, वी कैन फुलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ ईयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। यह मतलब ये है कि अगर हमने कंट्रोल कर लिया और सारी की सारी सनलाइट की जो अमाउंट है उसको हमने यूज़ कर लिया जो कि ज़मीन तक आ रही है 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में जितनी सनलाइट इस पूरी की पूरी अर्थ पे पड़ रही है, अगर वो सारी की सारी हमने सेव कर ली और यूटिलाइज कर ली, तो हम क्या कर सकते हैं, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है पूरे साल की, पूरे इंटायर वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए, हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। यानी कि जो सोलर एनर्जी है वो इतनी पावरफुल है कि अगर हम 1 घंटे के लिए सारी की सारी एनर्जी को यूज़ कर लें, तो पूरी इंटायर वर्ल्ड को हम 1 साल तक जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है हम उसकी हल कर सकते हैं। सोलर फर्नेसेस, सोलर सेल्स एंड सोलर हीटर्स आर यूज्ड टू यूटिलाइज सन एनर्जी। और जो सोलर फर्नेसेस होते हैं या सोलर सेल्स हैं, सोलर हीटर्स होते हैं, इन सब के जरिए हम क्या करते हैं, सन की एनर्जी को यूज़ करते हैं। देखें, ये हमारे पास सोलर सेल्स वगैरह होते हैं, ये हमारे पास जो सोलर पैनल्स होते हैं, और ये सोलर कार्स भी आजकल होती हैं। सो ये सारी की सारी सोलर एनर्जी को क्या करती हैं, उसको यूज़ करती हैं, यूटिलाइज करती हैं, और उसको डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर देती है। स्पेशली जो सोलर पैनल्स होते हैं, तो वो सोलर एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करके देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके देता है जी। नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी फ्रॉम वाटर। अब पानी से हम एनर्जी कैसे जो है वो बना सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। फ्लोइंग एंड फॉलिंग वाटर हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी। जो पानी बह रहा होता है या जो फॉल कर रहा होता है, यानी कि जो गिर रहा होता है, जो आप आबशार वगैरह होते हैं वो देख रहे होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें काफ़ी एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है उसमें? जाहिर सी बात है, काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वो पानी मूव कर रहा है, और क्योंकि वो बहुत ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो उसकी हाइट भी ज़्यादा है, सो काइनेटिक एनर्जी वो यूज़ कर रहा है, और उस काइनेटिक एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं, वही काइनेटिक एनर्जी इसमें प्रेजेंट होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बिल्ट ऑन डैम्स एंड रिवर्स यूज दिस वाटर एनर्जी टू टर्न टर्बाइन विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब कि हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर, यानी हाइड्रो जो है वो वाटर के लिए यूज होता है ये वर्ड, और इलेक्ट्रिक इज़ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स मतलब वो पावर प्लांट्स जहाँ पे पानी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स कहाँ पे होते हैं? डैम्स पे बनाए जाते हैं या रिवर्स पे, और जिस जहाँ पे इस वाटर एनर्जी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, एक टर्बाइन्स यहाँ पे एक ऐसे पहिए टाइप लगाए होते हैं, और उन टर्बाइन्स को इस वाटर के जरिए जो आबशार वगैरह जो हाइट से ये नीचे गिरा रहे हैं, उसके जरिए वो टरबाइन को क्या करते हैं, वो उसको घुमाते हैं या चलाते हैं, जिसके जरिए से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देखते हैं एनर्जी फ्रॉम द विंड। अब हवा से भी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि हवा भी क्या है, मूविंग एयर जब होती है तो एयर भी मूव करी है, और मूव करते हुए उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर आपने नोट किया हो, जब आंधी आती है या जब हवा बहुत तेज़ चल रही होती है, और कोई हल्का सा बंदा यानी कि जो ज़्यादा हेल्दी ना हो वो उसमें खड़ा हो, तो कहता है कि मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे ये हवा मुझे अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। तो मतलब कि मूविंग विंड में भी इतनी एनर्जी होती है।
द विंड हैज़ एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और क्योंकि विंड मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। विंड मिल्स यूज़ दैट काइनेटिक एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इसको विंड मिल्स वगैरह कहते हैं, ठीक है। सो ये विंड मिल्स ऐसे जगहों पर, ये खुली जगहों पर लगाए जाते हैं जहाँ पे जो हवा है वो ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पर ये विंड मिल्स क्या करते हैं, ये उस जो हवा के ज़रिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है हवा में उसके ज़रिए ये मूव करते हैं, जैसे पंखा मूव करता है इस तरह से पंखे की तरह राउंड राउंड मूव करते हैं, और वो मूव करते हुए क्या होता है, यहाँ पे इसमें भी ऐसे मशीन लगाई होती है, सो वो मूवमेंट के ज़रिए जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। इट ओनली वर्क्स वेन द विंड इज़ ब्लोइंग एंड स्टॉप्स वर्किंग वेन द विंड स्टॉप ब्लोइंग। जाहिर सी बात है जब हवा चल रही होती है तो जो विंड मिल्स होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं, ये पंखे की तरह घूम रहे होते हैं, और घूमते हुए इसमें जो मशीन होती है वो उस एनर्जी को क्या कर रही है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रही होती है, और जब तक हवा चल रही है तब तक ये प्रोसेस हो रहा है। हवा बंद होगी तो जाहिर है जो ये विंड मिल्स है ये घूमना बंद कर देंगे, और जब ये घूमना बंद कर देंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी। इट इज़ फ्री एंड डज नॉट डजेंट कॉज एनी पोल्यूशन, और ये फ्री है, कोई पोल्यूशन कॉज नहीं करती। इससे पहले भी जो हमने दो फॉर्म्स पढ़ लिए वो कोई पोल्यूशन कॉज नहीं करती है, वो बिल्कुल फ्री भी है और फ्री ऑफ पोल्यूशन भी है, यानी कि कोई आलूदगी वगैरह नहीं फैलाती। ओके, नेक्स्ट इज एनर्जी फ्रॉम द वेव्स। अब जो लहरें बनती हैं पानी में उसको देखते हैं कि उसमें क्या, उसमें भी जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि वो मूव कर रही है, और उस काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे चेंज करते हैं या कैसे यूज़ करते हैं। व्हेन द विंड ब्लोज ओवर द एरियाज ऑफ वाटर इट क्रिएट्स वेव्स, और जब विंड जो हवा होती है वो ब्लो करती है इस वाटर के एरियाज पे, तो वो क्या करती है, पानी में वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि लहरें बना देती हैं। अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्टोर इन दीज वेव्स, और इस वेव्स में भी काफ़ी एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो स्टोर होती है क्योंकि वो मूवमेंट के ज़रिए, विंड के ज़रिए उसमें आती है। वन वे टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम वेव्स इज़ टू यूज़ वेव्स रीचिंग द शोर लाइक अ पिस्टन टू पुश एयर इन टू अ बिग पाइप। यहाँ पर देखें आपको मशीन नज़र आ रही होगी, ये क्या करते हैं, एनर्जी को वेव से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचते हैं तो एक पिस्टन टाइप होता है जिसके ज़रिए एक बड़ी पाइप में एयर को पुश करते हैं। द फोर्स ऑफ एयर बींग पुश्ड इज़ यूज टू टर्न अ टर्बाइन, और इसके अंदर एक टर्बाइन होता है, क्योंकि ये जो वेव्स हैं ये जब तेज़ी से ऐसे टकराती हैं तो ज़ोर से जो एयर है उसको बहुत स्पीड में अंदर पुश करते हैं एक बड़ी पाइप में, और वो जो एयर को पुश करते हैं तो उसी एयर पुशिंग से इसके अंदर एक टर्बाइन होता है, एक मशीन होती है जो कि टर्न होने लगती है, और वो टर्बाइन क्या करता है, इज़ देन कनेक्टेड टू अ जनरेटर, वो टर्बाइन एक जनरेटर से कनेक्ट होता है, और वो जनरेटर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। आप लोग के घर में भी जनरेटर्स होते हैं ना, उसमें जो गैस जनरेटर्स जो स्पेशली हैं, तो उसमें क्या होता है, आपने उसको गैस के साथ अटैच किया होता है, जब आप उसको ऑन करते हैं तो वो गैस को यूज़ करके उसकी मशीन चलती है, और वो मशीन चलते हुए जनरेटर क्या करता है, उस मशीन उस गैस के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सो इसी तरह यहाँ भी ये टर्बाइन जब मूव करता है तो इस टर्बाइन को एक जनरेटर से कनेक्ट किया हुआ है, और वो जनरेटर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अच्छा जी, एनर्जी फ्रॉम लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स के ज़रिए भी हमें एनर्जी जो है वो मिल जाती है, हम उसको यूज़ करते हैं, उसको बायोमास भी कहते हैं, बायोमास, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है, वुड है, अल्कोहल फ्यूल्स, क्रॉप्स हैं, लैंडफिल गैसेस हैं, या गार्बेज वगैरह है, ये सारे बायोमास के टाइप्स हैं, और इनको भी यूज़ करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे। बायोमास एनर्जी यूजेज नेचुरल मटीरियल दैट वंस लिव्ड लाइक वुड, ड्राइड वेजिटेशन, क्रॉप्स, रेजिड्यू एंड एक्वेटिक प्लांट्स टू मेक इलेक्ट्रिक पावर। बायोमास एनर्जी क्या करती है, नेचुरल मटेरियल को यूज़ करती है जो कि वंस लिव्ड, मतलब जो कभी ज़िंदा थे, अब ज़िंदा नहीं है, अब ख़त्म हो गए हैं, लेकिन पहले कभी ज़िंदा थे, जैसे वुड हो गया, या कोई ड्राइड वेजिटेशन है, या कोई क्रॉप्स हैं, खेत हैं जो कि क्या हो गए हैं, उसमें से कुछ चीज़ें बच गई हैं, एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह हैं, इनको यूज़ करके क्या किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इट कैन ऑल्सो यूज़ वेस्ट मटीरियल लाइक ट्रैश, और ये जो है वेस्ट मटीरियल जैसे ट्रैश हो गया, जो कूड़ा होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं हम बायोमास में, उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। बायोमास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय, और इस बायोमास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, बर्निंग,
डिकम्पोजिशन एंड फर्मेंटेशन, बर्निंग के जरिए हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन के जरिए और फर्मेंटेशन के जरिए हम इस बायोमास एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब देखेंगे इसको वन बाय वन के कैसे। सबसे पहले है बर्निंग। बायोमास लाइक वुड, डेड ट्रीज एंड प्लांट्स आर बर्न्ड टू रिलीज देयर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। अच्छा, स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को आप पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। जो वुड है या डेड जो ट्रीज हमने काट दिए हैं या कोई प्लांट्स है जो ख़त्म हो गए हैं, उसको अगर हम बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो उसकी जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी यानी कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी जो उसकी स्टोर्ड केमिकल एनर्जी मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी होगी, वो क्या कर देगी, उस पोटेंशियल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी बर्निंग के जरिए। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो हीट एनर्जी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन। वेस्ट लाइक एनिमल, डेड एनिमल्स, एनिमल्स वेस्ट एंड गार्बेज इज लेफ्ट टू रॉट। डिकम्पोजिशन का मतलब सिर्फ आपने अगर वैसे भी सुना हो तो यही होता है कि एक चीज़ अगर मर जाती है तो वो डिकम्पोज होने लगती है, यानी कि वो ऐसा ऐसा ख़त्म होने लग जाती है, उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो एनिमल्स, अगर आपने देखा हो कि वो मर गए हैं और उसको मरे हुए एक हफ्ता हो गया, अगर आपको रोड पे कोई एनिमल नज़र आता है तो वो आप देखते हैं कि वो उस तरह नहीं रहता जैसे वो ज़िंदा होते हुए था, वो ऐसे बिल्कुल ऐसे, एक तो उसकी जो वो उसका स्केलेटन होता है वो नज़र आता है, वो स्किन उसकी बिल्कुल ऐसे खुश्क सी हो जाती है, अजीब सी, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये जो एनिमल का वेस्ट होता है या डेड एनिमल्स होते हैं या जो गार्बेज होता है वो उसको छोड़ दिया जाता है रॉट होने के लिए यानी ख़राब होने के लिए। इट रिलीजेज बायोगैस कॉल्ड मीथेन विच इज़ देन कलेक्टेड एंड कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब ये डिकम्पोज हो रहा होता है तो ये बायोगैस रिलीज़ कर रहा होता है। जाहिर सी बात है कि जब वो एक चीज़ मरी है, ख़त्म हो गई है, तो उसमें कुछ ना कुछ स्टोर्ड एनर्जी जो थी ना, एनिमल अगर कोई डेड एनिमल है तो उसके अंदर कोई केमिकल एनर्जी थी, जाहिर सी बात है अंदर बॉडी के जो एनर्जी थी, तो अगर वो डिकम्पोज हो रहा है तो एनर्जी, हमने अभी पढ़ा था कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर केमिकल एनर्जी थी, तो चूंकि वो मर गए हैं और वो डिकम्पोज हो रहे हैं, तो वो केमिकल एनर्जी बायोगैस में चेंज हो रही है। बायोगैस भी उसको इसीलिए कहा जाता है, बायो स्टैंड्स फॉर लाइफ, बायो स्टैंड्स फॉर लाइफ। बायो जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ, ठीक है। सो जो ये जो बायोगैस है यानी कि ये लिविंग थिंग से आती है, तो जो लिविंग थिंग्स जब वो रॉट हो रहे होते हैं, जब वो ख़त्म हो रहे होते हैं, डिकम्पोज हो रहे होते हैं, तो उससे बायोगैस जो है वो रिलीज़ होती है और जिसको मीथेन कहा जाता है, जिसको कलेक्ट किया जाता है और बाद में उस मीथेन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन। क्रॉप्स एंड प्लांट्स विद अ लॉट ऑफ शुगर इन देम लाइक शुगर केन एंड कॉर्न आर यूज टू मेक इथेनॉल, ठीक है। काफ़ी जो क्रॉप्स है, खेत होते हैं जिसमें शुगर ज़्यादा होती है, शुगर वही ग्लूकोज का कैलम यानी कि उसमें फूड ज़्यादा स्टोर होता है, जैसे कि शुगर केन हो गया और जो वो है कॉर्न है, जो सिट्टा आप उसको कहते हैं, ये वाला इसको कॉर्न कहते हैं, ठीक है, पता भी होगा आपको। सो इसके जो क्रॉप्स होते हैं इसमें ज़्यादा शुगर होती है, तो इसको यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ करके इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है या बनाया जाता है। इथेनॉल इज़ प्रिपेयर्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन का एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए इथेनॉल को प्रिपेयर किया जाता है। अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फ़िलहाल वो आपके लिए नीडेड नहीं है। बस आपको ये याद होना चाहिए कि क्रॉप्स, ऐसे कुछ क्रॉप्स जिसमें शुगर के अमाउंट ज़्यादा होती हैं, जैसे शुगर केन है और कॉर्न है, उसको यूज़ करके इथेनॉल बनाया जाता है। और इथेनॉल कैसे बनाया जाता है, गैसिफिकेशन के प्रोसेस से बनाया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है। इथेनॉल कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ पेट्रोल इन मैनी कार्स, और इथेनॉल को काफ़ी कार्स में जो है पेट्रोल की जगह यूज़ किया जा सकता है। अभी तो रिसेंट है ये, लेकिन क्योंकि अभी ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो या तो गैस पे CNG पे चल रही हैं या फिर पेट्रोल पे चल रही हैं, लेकिन इथेनॉल जो है उसको भी यूज़ किया जा सकता है कार्स में पेट्रोल की जगह पर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जियो थर्मल एनर्जी एंड दैट इज़ एनर्जी फ्रॉम अर्थ।
जियोथर्मल वर्ड से ही जाहिर है कि जो ज़मीन से एनर्जी बन रही है, जो थर्मल एनर्जी, थर्मल आप कह सकते हैं जो तपिश होती है, ठीक है, जो ज़मीन की तपिश होती है उसकी जो एनर्जी है उसको हम देखेंगे, यानी कि एनर्जी फ्रॉम अर्थ। और तपिश किस वजह से होती है? हीट की वजह से होती है। सो आप कह सकते हैं कि स्पेशली फ्रॉम हीट या द एनर्जी ऑफ अर्थ, द थर्मल एनर्जी ऑफ अर्थ, जो ज़मीन की तपिश होती है उसमें जो एनर्जी है उसकी बात हम अब करेंगे। द इनसाइड और कोर ऑफ अर्थ इज़ वेरी हॉट। जो अर्थ का कोर है या इनसाइड है वो बहुत गर्म होता है, यानी कि हमारा जो पूरी जो अर्थ है इसका जो बिल्कुल अंदर मिड वाला पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा हॉट है। दिस हीट समटाइम्स ब्रेक थ्रू द सर्फेस ऑफ अर्थ बाई वॉल्केनोज और गीजर्स, ठीक है। ये जो हीट होती है ये कभी कभी ज़मीन के अंदर इतनी प्रोड्यूस हो जाती है कि वॉल्केनोज के ज़रिए, जो हम कहते हैं कि आतिशफिशार का पहाड़ जो है वो फट गया है या इस तरह से कुछ, या फिर जो गीजर्स वगैरह होते हैं उनके ज़रिए क्या होता है, ये जो ज़मीन की हीट होती है वो ब्रेक थ्रू कर जाती है, यानी कि बाहर आ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, और इसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। दिस एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इस जियोथर्मल एनर्जी को भी अगर आपने देखो कि वॉल्केनोज में काफ़ी एनर्जी होती है, काफ़ी अमाउंट में हीट एनर्जी उसमें होती है, प्रेजेंट होती है, सो उसको हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा जी, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।